रिश्तेदार के साथ घर लौटते समय गाड़ी को कट लगने के साधारण कारण से खड़े हुए विवाद के चलते लुम्बिनी नगर परिसर में मारपीट का मामला आगे आया है, जहां आरोपियों ने पीड़ित पर शस्त्रों से वार कर गंभीर घायल किया। जरीपटका पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार नारा घाट के पास नाले के बगल में जरीपटका निवासी राज नायडू गत 9 जुलाई की रात सोहेल के साथ उसके दोस्त जॉनसन देवेंद्र सैंडीमन लुम्बिनी नगर जरीपटका निवासी को उसके घर छोड़ने के बाद एक्टिवा MH49 S7565 से घर लौट रहे थे। इस दौरान लुम्बिनी नगर में सड़क किनारे बैठे एक युवक ने राज को आवाज दी। राज करीब गया तो उसने राज को यह कहते हुए थप्पड़ मार दी कि मेरे गाड़ी को कट क्यों मारा। यह देखकर सोहेल ने थप्पड़ मारने वाले युवक से कहा कि क्यों मार रहे हो, वह छोटा है। सोहेल ने थप्पड़ मारने के बाद उस युवक ने फोन किया। फोन करने के बाद 5 से 6 युवक आकर सोहेल व राज से गाली गलौज करने लगे और दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। एक ने सोहेल की पीठ व बगल पर कई वार किए जिससे वह जख्मी हो गया। राज के शोर मचाने पर सभी आरोपी फरार हो गए। यह देख भीड़ जमा हो गई। जख्मी सोहेल को मेयो अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही जरीपटका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राज की शिकायत पर सहायक पुलिस निरीक्षक राजकुमार त्रिपाठी ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। घटना के बाद पुलिस उपायुक्त श्रवण दत्त, सहायक पुलिस आयुक्त संतोष खांडेकर जरीपटका थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी अंकित परतेती 18, आर्यन घोरपड़े 19, कार्तिक उर्फ मारी मिलिंद रामटेके 20, शशांक साखरे 20, लुम्बिनी नगर मेकोसाबाद जरीपटका और हर्षल उर्फ दद्दू मोहनलाल गजभे 20, नजूल लेआउट कॉलोनी जरीपटका निवासी पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग भी हिरासत में लिए गए हैं। फरार 2 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। थानेदार संतोष बकाल के नेतृत्व में थाने के उपनिरीक्षक होम ने DB स्क्वाड के संतोष पांडे और पंकज ठाकुर ने धरपकड़ की। काल दिनांक 9/7/2023 रोजी रात्री 23:45 वाजण्याच्या सुमारास लुम्बिनी नगर येथील राहणारा जॉनसन देवेंद्र सैंडीमन यास त्याचा मित्र राज बापू नायडू आणि त्याचा नातेवाईक सोहेल वकील अन्सारी असे त्याच्या घरी सोडण्यासाठी त्यांच्या ॲक्टिवा मोटरसायकलवरून गेले होते। त्या दरम्यान त्यांची गाडीचा दुसऱ्या एका मुलाच्या गाडीस कट लागला। या कारणावरून समोरच्या मुलांच्या सोबत त्यांची भांडण झाले। त्या भांडणामध्ये एका मुलाने सोहेल वकील अन्सारी वय 16 वर्ष यास धारदार चाकूने मारहाण करून गंभीर जखमी केले आहे आणि त्याचा खून करण्याचा प्रयत्न केला आहे। त्यावरून तक्रारदार राज बापू नायडू राहणार नारा घाट पोलीस ठाणे जरीपटका याच्या तक्रारीवरून अज्ञात 5 ते 6 मुलांच्या विरुद्ध जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे भारतीय दंडविधान कलम 307, 143 व इतर कलमांप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। गुन्ह्याचा तपास जरीपटका पोलीस ठाणे वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आहेत। त्यांचे साथीदार त्यांनी बोलवलं असं तक्रारदार यांचं म्हणणं आहे। 5 ते 6 भारतीय 7, 323, 143, 144, 147, 148, 149, 427, 504 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। यात आरोपी 5 ते 6 पुरुष आहे, अंदाजे 18 ते 25 वर्ष वयाची मुले आहेत। जखमी सोहेल वकील अन्सारी हा मेयो हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी ऍडमिट असून त्याच्यावर उपचार चालू आहे। सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट, NBCN नागपूर।